नमस्कार, एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोम हाउ द लिप्स केम डाउन। यह पोम लिखी गई है एक अमेरिकन पोएट सुजन कुलीज के द्वारा। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, सुजन जो थी वह बाय प्रोफेशन नर्स थी, और जब सिविल वॉर का समय था अमेरिका में तो नर्स के रूप में इन्होंने सर्व भी किया था वहां के लोगों को। एक चीज और आपको मैं बताऊं कि सुजन का वास्तविक नाम था सारा चौंसी उसी। इन्होंने पेन नेम रखा था अपना सुजन कुलीज, और ढेरों इस नाम से इन्होंने बच्चों के लिए पोम लिखे। स्टूडेंट्स, यह जो पोम है हाउ द लीव्स केम डाउन एक बेड टाइम पोम है, जिसमें कि सोने के वक्त आप लोगों को भी दादी नानी और हाँ आपकी मम्मी लोग कहानियां सुनाती होंगी ताकि आपको नींद जल्दी से आ जाए। तो इसी तरह की ही एक बेड टाइम पोम है, और इसमें पेड़ हैं और आप देख रहे हैं इनके कुछ पत्तियां हैं। इस पेड़ और इसके पत्तियों को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के रूप में यूज किया गया है। आपको पता ही है कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, एक पोएट्रिक डिवाइस है ना। तो पर्सोनिफिकेशन का यूज इसमें पोएट ने बेहतरीन ढंग से किया है। तो आज इसी पोएम के बारे में हम लोग बातें करेंगे। लाइन बाय लाइन मैं इस पोएट्री की चर्चा करूंगा आपके पास। तो जल्दी से बुक पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और मैं अभी आपके सामने इस पोएट्री की लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए रेडी हो। विश्वास है आप पेन पेपर लेके रेडी हो चुके होंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को, हाउ द लीव्स केम डाउन। I will tell you how the leaves came down, the great tree to his children said. बड़े वृक्ष ने अपने बच्चों को कहा कि मैं तुझे बताऊंगा कि लीव्स कैसे नीचे आते हैं, कैसे लीव्स नीचे उतरते हैं, कहां से, पेड़ से। You are getting sleepy, तुम्हें तो नींद आ रही है। Yellow and brown क्या है, कलर है पेड़ पत्तियों के। जब पत्ती पीले पड़ जाते हैं या ब्राउन रंग के हो जाते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, तो क्या होता है, पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं। और यहाँ इस दृश्य को पोएट्रेस ने स्लीपी के रूप में कंपेयर किया है। मैंने कहा था ना कि इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। तो स्लीपी कब सोता है पेड़ के पत्ते, जब वे येलो या ब्राउन कलर के हो जाते हैं। Yes, very sleepy, little red. It is quite time to go to bed. कहता है तुम्हारे जो कलर हैं वह थोड़े थोड़े लाल भी हो गए हैं और तुम्हें नींद जैसी भी लग रही है, तो यह सही वक्त है कहाँ के लिए, बेड पर जाने के लिए, मतलब सोने के लिए। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि जब गार्जियन कहते हैं, जब बड़े हमें कहते हैं सोने के लिए, तो हम बहुत तरह से बहाना बनाना शुरू करते हैं। जी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे होमवर्क करना है, ढेरों ऐसे बहाने होते हैं। और ऐसा ही कुछ बहाना पत्तियां भी कर रहा है। देख रहे हैं ना भाई, डिफरेंट कलर की पत्तियां यहां पर दिखाई गई है। तो पत्ती क्या बोल रही है, बेग्ड ईच सिली पॉन्टिंग लीव, लेट अस लिटिल लॉन्गर स्टे डियर फादर ट्री, बिहोल्ड आवर ग्रीफ, टिस सच ए वेरी प्लीजेंट डे, वी डोंट वॉन्ट टू गो अवे। ओह, यह क्या है, एक्सक्लेमेशन है, जो हम खास करके दुख के वक्त में इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं। तो ओह, बेग्ड ईच सिली पॉन्टिंग लीव। स्टूडेंट, पॉन्टिंग क्या होता है, खास करके आप लोग तो इसके मास्टर हो। पॉन्टिंग मतलब रोने से पहले जो एक चेहरा बना लेते हैं अपना, कि अब लगता है अब आंसू टपका कि तब आंसू टपका। तो इस तरह का जो एक स्पेशल चेहरा होता है, जी हाँ ऐसा ही बिल्कुल, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं यह पॉन्टिंग।
तो पॉन्टिंग चेहरे जो होते हैं वैसा बना लिया लीफ ने, और उसने बेग किया। बेग किया मतलब उसने रिक्वेस्ट किया, लेट अस ए लिटिल लॉन्गर स्टे, थोड़ा देर और रुकने तो दीजिए। क्यों? डियर फादर ट्री बिहोल्ड आवर ग्रीफ। डियर फादर, पिताजी, बिहोल्ड मतलब देखिए, ग्रीफ मतलब हमारे दर्द को, हमारे परेशानी को समझिए, थोड़े देर तक मुझे और ठहरने दीजिए। टिस सच ए वेरी प्लीजेंट डे। टिस मतलब होता है दिस इज, मीन्स दिस इज ए वेरी प्लीजेंट डे, बड़ा ही सुहावना दिन है। वी डोंट वॉन्ट टू गो अवे, और इसलिए हम दूर जाना नहीं चाहते हैं। पतले पत्ते जब सोएंगे तो वह नीचे पेड़ से गिर जाएंगे, इसलिए कह रहा है दूर जाना नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ भी पेड़ को आंख मुंह आदमी की तरह बनाया गया है, पत्तियों को भी ऐसा ही बनाया गया है, और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। समझ रहे हैं, मैं आ रही है पोम बेहतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फॉर जस्ट वन मोर मैरी डे टू द ग्रेट ट्री एंड लीफ लाइट क्लंग फ्रॉलिक एंड डांस एंड हैड देयर वे अपॉन द ऑटम ब्रीज स्वांग विस्परिंग ऑल देयर स्पोर्ट्स एमंग। इस स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। सो फॉर जस्ट वन मोर डे मैरी डे, मेरी मतलब होता है खुशी, प्लीजेंट, हैप्पी, तो क्या एक और खुश का दिन, खुशी का दिन। टू ग्रेट ट्री एंड लीफलेट क्लंग, लीफलेट क्या होता है, देखिए ये जो लीफलेट है क्या है, ये एक प्रकार की डंटल है और इसमें पत्तियां लोग सब जुड़ी रहती हैं, तो ये क्या है, लीफलेट है। द ग्रेट ट्री द लीफलेट क्लंग, क्लंग मतलब चिपकना, चिपकते हुए इस लीफलेट ने ट्री को कहा एक दिन और तो रुक जाने दीजिए, बड़ा मैरी डे है, बड़ा हैप्पी डे है ना। और क्या है, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक मतलब होता है एनर्जेटिक, एंड डांस एंड हैड देयर वे, हम लोग बड़ा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, डांस करेंगे फिर चले जाएंगे। हैड देयर वे कहाँ भाई, अपॉन ऑटम ब्रिज स्वांग, किसके साथ, ऑटम का जो ब्रिज, ब्रिज मतलब हवा, जब बहेगी, स्विंग का पास्ट टेंस स्वांग, जब बहेगी तो हम लोग अपने ही चले जाएंगे, विस्परिंग ऑल देयर स्पॉट एमंग, और ऐसा बुदबुदाया, ऐसा फुसफुसाया, बड़े स्लो टोन में, विस्पर मतलब स्लो, स्लो टोन में बात बात करना, स्लो टोन में बात किया, सारे स्पॉट, स्पॉट स्पॉट्स मतलब खेलने के मूड में थे ना सारे पत्तियां, इसलिए पोएट ने यहाँ पर स्पोर्ट्स लिख दिया उन्होंने। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, परहैप्स द ग्रेट ट्री विल फॉरगेट एंड लेट अस स्टे अंटिल द स्प्रिंग इफ यू ऑल बेक कॉक्स एंड फ्रेट, बट द ग्रेट ट्री डिड नॉट सच थिंग, ही स्माइल्ड टू हियर देयर विस्परिंग। आप बच्चे भी काफी शैतान होते हैं ना, अपने मन से एक प्लानिंग बना लेते हैं कि देखो ना थोड़ी देर के बाद मम्मी पापा भूल जाएंगे, फिर हम अपना काम कर लेंगे। ऐसा ही कुछ प्लानिंग है इस पेड़ की पत्तियों का, क्या बोल रहा है, परहैप्स द ग्रेट ट्री विल फॉरगेट, शायद ये पेड़ फिर भूल जाएंगे। लेट एंड लेट अस स्टे अंटिल द स्प्रिंग, और फिर हम क्या होगा, हम लोग स्प्रिंग तक रुकेंगे। एक दिन का वक्त मांग रहा था, लेकिन कह क्या रहा है, एक दिन के बाद ये पेड़ जो है भूल जाएगा और फिर हम स्प्रिंग तक रह जाएंगे। इफ यू ऑल बेक कॉक्स एंड फ्रेट, क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बेक करना पड़ेगा मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। कॉक्स मतलब होता है परसुएट, मतलब अपने बात को मनाना, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने बात को मनाना पड़ेगा, और लास्ट में क्या होगा, फ्रेट कर देना होगा। फ्रेट मतलब होता है इरिटेट, कभी कभी इरिटेट भी आप गार्जियन को कर देते हैं तो क्या बोलते हैं गार्जियन, चलो जो इच्छा है वही करो। सो दिस दिस ऑल लीव्स आर मेकिंग प्लान दैट दे विल फर्स्ट बेग देन कॉक्स एंड लास्ट दे विल फ्रेट, मेक द ट्री इरिटेट, बट द ग्रेट ट्री डिड नॉट, बट द ग्रेट ट्री डिड नो सच थिंग, लेकिन वह जो बड़ा सा पेड़ था उसने ऐसा कुछ नहीं किया, चांस ही नहीं दिया लोगों को। क्यों? ही स्माइल टू हियर देयर विस्परिंग, वह मुस्कुरा रहा था, कौन मुस्कुरा रहा था, पेड़ मुस्कुरा रहा था, फिर देखिए पर्सोनिफिकेशन का यूज, क्योंकि उसने उसके विस्परिंग को स्लो टोन में जो बात कर रहा था उसको सुन लिया था, इसलिए अब ट्री फिर से बोलता है, कम चिल्ड्रन ऑल टू बेड, ही क्राइड, जोर से बोला उसने, किसने,
पेड़ ने कि आओ बच्चों सोने का समय हो गया है। एंड एव द लीफ कुड अर्ज देयर प्रेयर, एयर मतलब बिफोर, और इसके पहले की लीव्स दूसरा प्रेयर, प्रेयर मतलब रिक्वेस्ट, कोई दूसरा रिक्वेस्ट करे, ही शुक हिज हेड फार एंड वाइड। क्या किया पेड़ ने, अपने सिर को हिलाया और दूर दूर तक, फार एंड वाइड फ्रेज है, दूर दूर तक, फ्लटरिंग एंड रस्टलिंग एवरीवेयर डाउन स्प्रेड द लीफलेट थ्रू द एयर। दूर दूर तक उच्च, फ्लटरिंग मतलब उछलते, हवा में तैरते हुए, रस्टलिंग ते हुए, हर एक ओर क्या हो गया, लीफलेट हवा में तैर रहा था दूर दूर तक, जब इस ग्रेट ट्री ने क्या किया, अपना सर हिलाया। ठीक है, आई शॉ देम ऑन द ग्राउंड, दे ले गोल्डन एंड रेड हर्डल स्वाम, वेटिंग टिल वन फ्रॉम फार अवे वाइट बेड क्लोथ हिप्ड अपॉन हर आर्म शुड कम टू रैप देम सेफ एंड वॉर्म। फिर क्या देखा, नरेटर बता रहा है, आई शॉ देम, देखा उसको ऑन द ग्राउंड, कहाँ, ग्राउंड में, क्योंकि जब एक तो वे पीले पड़ गए थे और थोड़े से उनका कलर भी चेंज हो गया था, तो जूं ही पेड़ ने अपना सर हिलाया तो दूर दूर तक वे बिखर गए, कैसे लग रहे थे, गोल्डन और रेड कलर के थे। हर्डल स्वाम उनका ढेर लग गया था, हर्डल स्वाम मतलब ढेर लग गया था उनका, और इंतजार कर रहे थे दूर से, किसका इंतजार कर रहे थे, वाइट ब्लेड सॉरी बेड क्लोथ हिप्ड अपॉन हर आर्म, कोई बेड क्लोथ मतलब बड़े से कपड़े के साथ कोई आएगा, फिर उनको इकट्ठा कर उसकी पोटरी बनाएगा और सेफ, अपने को सेफ एंड वार्म करने के लिए ले जाएगा। एक्चुअली आपने देखा होगा कि खास करके जो पुराने पत्ते जंगल में या पेड़ से गिरते हैं तो कोई उसे चुन कर, उसे बीन कर ले जाते हैं और उसे जलाकर ठंडे के मौसम में गर्मी महसूस करते हैं, तो ऐसा ही वेट किया जा रहा था, कोई आएगा और क्लोथ में बांधकर उसे ले जाएगा। द ग्रेट बेयर ट्री लुक डाउन एंड स्माइल, गुड नाइट डियर लिटिल लिप्स ही सेड, एंड फ्रॉम बिलो इस स्लीपी चाइल्ड रिप्लाइड गुड नाइट एंड मर्मर इट इज नाइस टू गो टू बेड। और ऐसा पेड़ जब, पेड़ के पत्ते जब नीचे आ गए तो ट्री कैसा हो गया, बेयर हो गया। देखिए इसके पहले वाले पेज में आपने देखा था कि ट्री में बहुत सारे लीव्स लगे हुए थे, लेकिन देखिए अब क्या है, लीव्स नहीं है, तो यह क्या हो गया, बेयर हो गया, मतलब विदाउट क्लोथ हो गया यह, और देखिए यह भी सो रहा है वहां उस पेज में, इसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह भी से भी कुछ बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यह सोया हुआ है, तो पेड़ भी सो गया, और क्या कहा उसने, गुड नाइट डियर लिटिल लिप्स ही सेड, एंड फ्रॉम बिलो इज स्लीपी चाइल्ड रिप्लाइड, और नीचे में जो बच्चे थे, बच्चे कौन थे, पत्तियां थे, उन्होंने भी मरमर किया, मतलब चुपके से धीरे से कहा, इट इज गुड, इट इज नाइस टू गो टू बेड, और अभी सोने का बड़ा ही अच्छा समय है। तो यह रही पोम सुसन कुलीज के द्वारा लिखी गई बच्चों के लिए पोम, जिसे मैंने शुरू में ही कहा था यह बेड टाइम पोम है, सोने की बात इसमें हो रही है, पर्सोनिफिकेशन का गजब प्रयोग किया है पोएट ने। तो बच्चों मुझे पक्का विश्वास है कि पोएट्री तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको याद करा दूं, बारी आपकी, यदि यह पोम आपको अच्छी लगी हो और अब तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि पोएट्री अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।